इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। शाहजहानाबाद या पुरानी दिल्ली में लाल किला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो प्रतीक है शक्ति केंद्र का। यहीं से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि लाल किले के ठीक सामने प्रसिद्ध जैन मंदिर है जिसे लाल मंदिर कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारें लाल रंग से रंगी गई हैं। इस मंदिर से पता चलता है कि सन 1638 में जब शाहजहां ने आगरा को छोड़कर दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया तब जैन समुदाय उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। शाहजहां ने जब किलाए मुबारक जिसे हम लाल किले के नाम से जानते हैं बनवाया तब उन्होंने कई अग्रवाल जैन व्यापारियों को शहर में बसने का निमंत्रण दिया। शाहजहां ने उन्हें चांदनी चौक के दक्षिण में दरीबा गली के पास जमीनें भी दीं। जैन बैंक मालिकों और व्यापारियों ने मुगल काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरीबा वो जगह थी जहाँ जैन समुदाय के बैंक और व्यापारिक प्रतिष्ठान हुआ करते थे। कहा जाता है कि मुगल सेना में एक जैन सैनिक ने लाल किले में लाहौरी गेट के सामने 3 मूर्तियाँ रख दी थीं। लाहौरी गेट पर मुगल सेना रहती थी। ये मूर्तियाँ सन 1493 के समय की थीं और जैन सैनिक इनकी पूजा करते थे। ये मूर्तियाँ एक छोटे से शामियाने में रखी हुई थीं और चूंकि ये मंदिर आर्मी कैंप था इसलिए इसे उर्दू मंदिर भी कहा जाता था। बाद में अग्रवाल जैन समुदाय ने संगमरमर की 3 मूर्तियां लाकर शामियाने की जगह पर ही एक मंदिर बना दिया। ये घटना लगभग सन 1656 के आसपास की है। पहले मंदिर के निर्माण में लाल पत्थर के गुंबद मंदिर के ऊपर थे और मंदिर अंदर से संगमरमर का बना था। मंदिर का निर्माण मुगल वास्तुकला के अनुसार किया गया था। बाद में 19वीं शताब्दी में मंदिर के ऊपर शिखर बनाए गए। आज भी ये शिखर देखे जा सकते हैं जिनकी आड़ में गुंबद छुप से गए हैं। मंदिर के सामने मंच स्तंभ है। मुख्य पूजा मंदिर के प्रथम तल पर होती है। यहाँ मंदिर के अहाते से होते हुए सीढ़ियों से पहुँचा जाता है। जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ के साथ साथ जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ की भी मूर्ति है। भगवान पार्श्वनाथ भगवान महावीर के पूर्वज थे। संगमरमर का एक नया शिखर तो बना दिया गया लेकिन मूल 3 मूर्तियां मंदिर के एकांत कक्ष में रखी हुई हैं। एक अन्य दिलचस्प किस्सा यह है, औरंगजेब ने आदेश दिया था कि यहाँ कोई ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे लेकिन फिर भी ढोल नगाड़े की आवाज उनके कानों तक आती रही। इसकी जांच करने जब औरंगजेब वहां खुद पहुंचे तो उन्होंने किसी को भी नहीं पाया लेकिन ढोल और नगाड़े की आवाज़ आती रही। इस चमत्कार के फौरन बाद औरंगजेब ने आदेश दिया कि ढोल नगाड़े हमेशा बिना किसी रुकावट के बजते रहेंगे। आज मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के पीछे पक्षियों का अस्पताल है, इसे जैन पक्षी अस्पताल कहते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में जैन धर्म से संबंधित किताबों की एक दुकान भी है। ये मंदिर जैन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए खास महत्व रखता है। इस मंदिर में दुनिया भर से जैन धर्म के अनुयायी आते हैं। लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्थित ये मंदिर हमें मुगलों की राजधानी शाहजहानाबाद में जैन समुदाय के महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है।